वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लेकर के आई हूँ एक इंग्रेडिएंट से कुछ ट्विस्ट डाल करके दो अलग अलग तरह के स्नैक्स बनके तैयार होंगे, टेस्ट में अलग होंगे। तो आइए झटपट इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने व्रत वाले सामक के चावल लिए, मैं पैकेट में दिखा रही हूँ आपको, ये व्रत वाले सामक के चावल इसमें लिखा हुआ है, तो मैंने यही चावल लिए हैं। तो इससे मैं क्या रेसिपी बनाने वाली हूँ, आइए झटपट देखते हैं। यहाँ मैंने एक मिक्सी के जार में 250 ग्राम सामक यानी व्रत के चावल लिए, नज़दीक से दिखा रही हूँ आपको। बिल्कुल गोल गोल होते हैं ये, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ये पैकेट में ईजिली मिल जाते हैं, खुले मिल जाते हैं। इसका हमको पीस के एक फाइन पाउडर तैयार करना है, इसमें हम कोई भी पानी नहीं डालेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पीस लिया है, बहुत ही अच्छा सा एक फाइन पाउडर तैयार हो गया है इसका, नज़दीक से देखिए ऐसा ही तैयार हो जाएगा। इसमें कोई पानी कोई और इंग्रेडिएंट नहीं है, सिंपल ही समा के चावल ही मैंने पीस लिए हैं। इसके बाद आप एक फ्राइंग पैन या पतीला लें, इसमें 50 ml पानी डालें। हमारा 250 ग्राम ये राइस था तो 50 ml पानी जाएगा इसके अंदर। जब पानी का बहुत ही ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इसके बाद मैं इसमें 1 tablespoon की लगभग जीरा डालूंगी, जीरा जो हम सब्जियों में डालते हैं, व्रत में भी उसे यूज़ कर लेते हैं। 1/4 काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स यानी ये लाल कुटी हुई लाल मिर्च है। अगर आप चाहो तो हरी मिर्च डाल लो या काली मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। इसके बाद नमक है, मैं 1/2 tablespoon डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर लें। इसके बाद फ्राइंग पैन को मैं गैस पे चढ़ा दूंगी और जब अच्छे से पानी बॉयल होने लग जाएगा तो इसमें मैं 1 tablespoon के लगभग देसी घी डाल दूंगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, व्रत का है तो मैं देसी घी डाल रही हूँ। इसके बाद थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और गैस को हम टर्न ऑफ करके फिर हम फ्राइंग पैन में आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ मैंने गैस से उसको उतार लिया है, जो हमने चावल पीसे थे इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर ताकि कोई लम्प्स ना हो, ना गैस पे फटाफट लम्प्स बनने लग जाते हैं। तो इस वक्त हमने गैस को ऑफ करके कर लिया है। इसके बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके बाद गैस पे चढ़ाएंगे और इसके सारा पानी सुखाएंगे। इसका पानी सुखाना हमको जब तक है जब तक इसका एक अच्छा सा डो बन के रेडी हो जाए, इसीलिए पानी की क्वांटिटी को हमको बहुत ध्यान रखना है। ये 250 ग्राम चावल थे तो 50 ml मैंने पानी लिया है। अगर पानी ज़्यादा होगा तो ये चावल कुक होने में आसानी नहीं होगी, बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, आपको और भी राइस इसमें डालना पड़ सकता है अगर ये गीला हो गया तो। ये देखिए मैं इसको सुखाती जा रही हूँ अच्छे से और ये फटाफट होता जा रहा है क्योंकि पानी की क्वांटिटी हमने बहुत ही एग्जैक्ट डाली है। और इसका हमको एक अच्छा सा डो बना लेना है, थोड़ी देर बाद ड्राई भी हो जाता है ठंडा होने के बाद। आप इसको यूज़ कर इसको बनाने के लिए मोटे तले का बर्तन यूज़ करें। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल ही डो सा बन गया है। ये देखिए मैंने इसको अलग से एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अगर गीला हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसके अंदर थोड़ा सा सूखा चावल का आटा मिला सकते हैं व्रत वाला। इसे हम थोड़ा और ठंडा कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए ठंडा हो गया है हमारा, हम हाथ से इसको देखिए हल्का सा नीट करेंगे। मैं यहाँ देसी घी डाल रही हूँ क्योंकि हल्का गर्म है तो मैंने मेल्ट नहीं किया है, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप व्रत में यूज़ करते हैं। इसे हम हल्का सा ग्रीस करेंगे और हाथों से हल्का सा और नीट करेंगे, जैसे आटे की तरह इसका एक डो बना लेंगे सॉफ्ट सा। ये थोड़ा चिपकता है इसलिए इसमें ऑयल घी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए इसकी सिंपल मैं एक छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं, जैसे हम पूरी के लिए बनाते हैं ना वैसे इसकी लोई बना लेंगे हम। ये देखिए मैं यहाँ पे लोई बना रही हूँ ना, ऐसे ही लोई बनानी है। इसके बाद हम चकला लेंगे, रोलिंग बोर्ड जिसे आप कहते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा चावल का आटा अलग रख लिया है पीस करके, जिससे हम इसकी डस्टिंग करेंगे क्योंकि व्रत का है तो मैं सेम चावल वही यूज़ कर रही हूँ, सामक का चावल ही। ये देखिए मैंने रोलिंग बोर्ड को डस्ट कर दिया है। मैंने बहुत ही छोटा सा एक पेड़ा लिया था और इसे बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हम बेलेंगे, बहुत बहुत इसको प्रेशर दे के नहीं बेलना है, बहुत ही लाइट हाथों से इसे हमको बेलना है। ये देखिए जितने बड़े साइज़ की आपको पापड़ी चाहिए उतना बड़ा आप इसको बेल लें। इसके बाद मैं दूसरा प्रोसेस बताती हूँ आपको कैसे करना है। ये देखिए मैंने एक बड़ी सी मोटी साइज़ की एक लोई ले ली है, ये देख रहे हैं ना आप, इसको थोड़ा चिपकती है तो इसमें आपको सूखे आटे का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। और इसे हम बेल लेंगे, इसे हम चकले के बराबर ही बेल लेंगे, जो हमारा रोलिंग बोर्ड होता है आप उसके बराबर ही बेल लें। ये देखिए थोड़ी थिकनेस आपको बिल्कुल इक्वल रखनी, बिल्कुल पतली रखनी है, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी। इतनी चपाती बनाते हैं ना उस तरीके की इसकी हमको थिकनेस रखनी है। और अगर ये चिपकता है तो इसको बार बार उठा के ना करें, आप हाथ से इसको टैप करें, आप अपने रोलिंग बोर्ड के चकले को खुद ही इसको घुमाते जाएँ और बेलते जाएँ और सूखे आटे का यूज़ इसमें अच्छे से करें। इसके बाद आप कटिंग करने के लिए आपके पास कुकी कटर हो तो आप वो ले सकते हैं, या आपको जिस भी शेप की पसंद हो उस तरीके से इसकी कटिंग आप कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे ग्लास का यूज़ कर रही हूँ, ग्लास सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है। ये देखिए इससे मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, बिल्कुल ही राउंड शेप का ये कट के रेडी हो जाएगा। इससे ये आप देख रहे हैं ना, ये आसानी से बहुत ही एग्जैक्ट कटिंग हो गई है। इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल लेंगे, ये हम आगे यूज़ कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें क्या करूँगी, आप नाइफ या फोक की हेल्प से इसमें हल्का हल्का प्रिक कर दें,
तो इससे क्या होगा, ये फूलेंगे नहीं और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे सारी। आप एक साथ बेल करके रख लें, एक प्लेट में इसको रख लेते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म कर लिया है, कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो वो आप ले लें, ये अच्छे से हीट कर लें। हीट करने के बाद जब ये अच्छे से हीट हो जाए तो आप मीडियम फ्लेम पे करके इसमें वन बाय वन सारी पापड़ियाँ डाल दें और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको सिकने दें। कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से इसको उलटते पलटते हुए आप 5 मिनट तक सिकने दें, तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगी। ये देखिए इससे सिक रही है ना, मैं इसको हल्के हल्के पलटते जा रही हूँ, देखिए ये रंग आ गया इसका, ये कलर जैसा, ये बिल्कुल सिक के क्रंची सी तैयार हो गई है। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। इनको ये देखिए हमारी पापड़ियाँ बनके रेडी हो गई हैं, इनको आप स्टोर कर सकते हैं। एक बार बनाइए, 9 दिन आराम से खाइए चाय के साथ, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। आप मैं नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही क्रिस्प बनके तैयार हुई है, इसे आप इजिली 15 डेज तक स्टोर कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट रेसिपी मैं आपको बताती हूँ, इसी इंग्रेडिएंट्स में कैसे बनाना है, वो सेकंड रेसिपी बनके जो तैयार होगी वो भी बहुत डिफरेंट और टेस्टी होगी। ये देखिए हमारा सेम डो है जिससे हमने पापड़ियाँ बनाई हैं। अब इसमें मैं क्या ट्विस्ट डालूंगी, इसमें यहाँ पर मैं 2 उबले हुए आलू लूंगी। जो आलू हैं 2 मैंने उबाल करके ले लिए हैं, इनको ग्रेट कर लिया है। देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है, आप क्रश भी कर सकते हैं, मैंने बॉयल कर लिया था और इनको ग्रेट कर लिया, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पर एक कच्ची मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली मैं डाल रही हूँ, 2 बड़े चम्मच है, कुछ भी मैंने नहीं किया, इसका छिलका तक नहीं रिमूव किया, सिंपली इसको साफ किया और मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है। 2 बड़े चम्मच है, ये भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और अगर आपको लगता है कि नमक आपको थोड़ा तेज खाना है तो आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें आलू और ये पीनट्स का मसाला पड़ रहा है, तो आप नमक चाहो तो इसमें थोड़ा सा डाल सकते हो अलग से ऊपर से, और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ ना, इसको हमको ऐसे ही बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई पानी का यूज़ नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से ऐसे में ड्राई में ही अच्छे से मिक्स करते जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए इसको फटाफट हमें मिक्स करना है। मैंने जैसा कहा कि अगर आप चाहो तो नमक आप इसमें डाल सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहो तो नमक डालो। यहाँ मैं थोड़ा सा नमक इसमें डाल रही हूँ, आप इस मसाले भी अपने अकॉर्डिंग थोड़े बढ़ा सकते हो, पर इसमें मुझे नीड नहीं है, हम इसको हाथों से अच्छे से नीड कर लेंगे। देखिए अच्छे से हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे जिसे कहते हैं, ताकि सारी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, देखिए जो दाल निकालने वाली जो हमारी करछी होती है ना, जिसे हम दाल सर्व करते हैं, जो स्पून होता है ना, इसे मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसका अपोजिट साइड ले लिया है। इसे हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे किसी भी ऑयल से, जो भी आप व्रत में यूज़ कर रहे हो। ये देखिए मैंने हल्का सा इसको यहाँ पे ग्रीस कर दिया है। अब इसके बाद मैं एक छोटा सा ये देखिए रोल लूँगी, जैसे मैं हाथ से रोल करके ले रही हूँ इसी तरीके से लेना है। इसके ऊपर रखेंगे हम, ये देखिए जैसे आप देख रहे हैं ना, सेम प्रोसेस आप करिए, देखते जाइए इसको, और फिंगर को हल्का सा ऑयल में डिप करके ये देखिए सेम हमने इसको होल कर दिया है। ये बिल्कुल वड़े जैसा तैयार हो गया है, डोनट जैसा रेडी हो गया है। इसको हम हाथ से हल्का हल्का फ्लैट कर देंगे, और ऐसे आप इसको डायरेक्ट कढ़ाई में डालिए, आपका हाथ भी नहीं जलेगा और इसकी शेप भी बहुत अच्छी आएगी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर ऑयल फिर से गर्म कर लिया है, और ये अच्छे से जब हीट हो जाए तो सेम प्रोसेस है, हाई करके फिर मीडियम फ्लेम पर करें। और ये देखिए मैं करछी जो हमारा स्पून है, मैं इसे डाल रही हूँ डायरेक्ट, और थोड़ी देर बाद जो बड़े हैं ये स्पून को छोड़ देंगे इसके अंदर, और इससे हमारा हाथ भी नहीं जलेगा। ये देख रहे हैं ना, जैसे देखिए धीरे धीरे छोड़ दिया। अब बाकी जो हमने बना रखे हैं मैं उसको हाथ से डाल रही हूँ, मैंने आपको 2 प्रोसेस बता दिए हैं, आप हाथ से भी डाल सकते हो उसे अलग से निकाल के, डायरेक्ट स्पून से भी डाल सकते हो। ये देखिए मतलब तो दोनों ही तरीके आपके सामने आ गए हैं। अगर आपको डर लगता है डायरेक्ट कढ़ाई में डालने से, तो आप स्पून से डालिए तो भी हो जाएगा, अदरवाइज आप सिंपली उसे निकाल के हाथ से डालिए और मीडियम फ्लेम पर उसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक आप फ्राई करें। ये देखिए जैसे मैंने फ्राई किया, सेम प्रोसेस से ऐसे ही फ्राई करें। तो ये आप यहाँ पर देखिए हमारे वड़े बन के रेडी हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी व्रत की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।